साथियों आप सभी को बता दूं कि तीसरे वनडे में बड़े बदलाव करेंगे रोहित शर्मा, ये प्लेयर्स हो सकते हैं प्लेइंग 11 से बाहर। जी हां, मैं बता दूं कि इंदौर में जो होने वाले तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया कई बदलाव कर सकती है। कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे के मैच के बाद ये संकेत दिया था। ऐसे किन प्लेयर को मौका मिलेगा आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है। टीम इंडिया तीन मैच की इस सीरीज में 2-0 से आगे अजेय बढ़त बना चुकी है और अब आखिरी मैच में जीत कर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया इस मैच में बड़े बदलाव कर सकती है और कुछ प्लेयर्स को आखिरी मैच के लिए आराम दिया जा सकता है। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे मैच के बाद तेज गेंदबाज की तारीफ की थी और साथ ही साथ मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को भी संकेत दिया था कि ऑस्ट्रेलिया का जो आपका जो टेस्ट सीरीज है उस पर नज़र रखते हुए इनको आराम दिया जा सकता है। मैं बता दूं कि अगर टीम इंडिया आपको बता दूं कि अगर टीम कॉम्बिनेशन को देखे तो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को तीसरे वनडे मैच में आराम दिया जा सकता है क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लंबे टेस्ट सीरीज खेलनी है। इनकी जगह प्लेइंग 11 में उमरान मलिक को मौका दिया जा सकता है, साथ ही साथ शहबाज अहमद को भी प्लेइंग 11 में जगह दिया जा सकता है। वही टीम इंडिया बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे प्रदर्शन में नज़र आ रही है, तो आपको बता दूं कि टीम इंडिया बहुत ज़्यादा बदल नाव करने के भी नहीं चाहती है। हालांकि अभी तक सीरीज़ में युजवेंद्र चहल को भी मौका नहीं दिया गया है, ऐसे में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में कुलदीप यादव या वाशिंगटन सुंदर को आराम दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, तो क्या आपको प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा पूरी तरह से आप सभी भी कमेंट बॉक्स में आप क्या देखना चाहते हैं प्लेइंग 11 लिखिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बता दूं कि क्या टीम इंडिया का जो टीम है वो आपको बता दूं, रोहित शर्मा कप्तान, शुभम गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, के एस भारत, हार्दिक पांड्या, रजत पाटीदार, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि जो पहला मैच था भारत ने 12 रन से जीत हासिल की थी और दूसरे मैच में 8 विकेट से जीत हासिल की थी। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ा लीजिए।